देखिए बेटू क्या लगाया इसने वाह ये कूट लग रही है वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एमपी ब्लॉगर धनवी। तो बताइएगा आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करती हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे बहुत 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 अच्छे होंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो अभी मैं सोकर उठी हूं और ईश्वरीश के पापा दोनों सो रहे हैं। और पता ठंडी का मौसम चालू इतना प्यारा लगता है ना मुझे ठंडी में। और जब मॉर्निंग में जैसे बाहर निकलो और चारों तरफ हरियाली देखो और हल्की हल्की सी ठंडी लगती है तो बहुत प्यारा लगता है। और आप लोगों के कैसा सीज़न लगता है ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे तो जैसे कि मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगता है और ठंडी में नहाना भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि नहाने के बाद जो फील होता है ना गर्म पानी से नहाने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने आपके साथ अपनी फीलिंग्स जो है जो फील करते वो शेयर किया है। आपको कैसा लगता है ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो अभी मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि जो दीदी आती है मैं उनकी दीदी कहती हूँ तो वो यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाती है ठीक से। तो इसी कारण मैं यहाँ पर लगा लूँगी। और अभी बाहर आई हूँ तो मैं सोचा कि चलो बाहर के जो भी काम है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि मुझे बार बार मतलब जैसे बाहर आना ना पड़े एक काम के लिए। इसी कारण मैंने जो भी बाहर के काम थे वो सारे मैंने कम्प्लीट कर लिए। अभी सबसे पहले मैं अपने लिए वार्म वाटर करूँगी क्योंकि एवरी मॉर्निंग में वार्म वाटर पीती हूँ और उससे हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे कि अगर आपका टमी फैट है तो वो भी कम होना चालू हो जाता है और वार्म वाटर पीने से आपकी जो बॉडी होती है वो डिटॉक्स होती है। और आपको एवरी मॉर्निंग आपको वार्म वाटर पीना ज़रूरी है और आपके बॉडी को भी बहुत अच्छे से क्लीन करता है। तो इसी कारण अगर आपके रूटीन में हैबिट नहीं है वार्म वाटर पीने की तो आपको इंक्लूड करना चाहिए। हे गाइस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए कितनी प्यारी धूप आई है ना बाहर। ऐसा लग रहा है धूप में जाकर बैठ जाओ। इतनी प्यारी सी धूप है। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। बहुत ये देखिए इतनी प्यारी सी धूप है ना। ऐसा लग रहा है धूप में ही जाकर बैठ जाओ। और अभी टाइम हुआ है 8:15 हुआ है। देखिए पूरा धूप आ रहा है। अभी अकेले बैठ नहीं सकती हूँ ना क्योंकि ईशु के पापा रहेंगे ईशु रहेंगे तब मैं बैठूँगी। नहीं तो फिर पता है बंदर आने का डर लगता है। तो चलिए अभी है ना मुझे झाड़ू पोछा भी करना है। बस ब्रश वगैरह हुआ है और अभी ये लोग सो रहे हैं तब तक मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और फिर आप लोग तो अभी ये लोग सोकर उठ गए हैं तो ब्लैंकेट वगैरह मुझे भी फोल्ड करना रहता है। वैसे तो सब लोगों ने अपना जो काम है खुद करना चाहिए। मैं अपने हस्बैंड को बहुत बार बोलती हूँ कि आप लेट सोकर उठते हो ना तो आपका जो ब्लैंकेट रहता है आप फोल्ड कर लिया करो तो इससे मुझे हेल्प मिल जाएगी। बट वो कुछ दिन करेंगे और फिर वो भूल जाते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। आपके हस्बैंड ऐसे ही करते होंगे। जैसे कि हम लोग पता है उन्हें बहुत सारी चीज़ों के लिए बोलते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ मत रखिए वहाँ पर ऐसा मत कीजिए बट वो ना भूल जाते हैं और वो हमेशा वही काम करते हैं जो उनको याद रहता है। तो यहाँ पर बस आज हम लोग ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ही खा रहे हैं क्योंकि मुझे लाइट वेट खाना था तो इसी कारण मैं फ्रूट्स वगैरह खा रही हूँ। इनको भी दे दिया। ईशु को भी फ्रूट्स दे देती हूँ क्योंकि ईशु को फ्रूट्स बहुत पसंद है और मेरे से है बेटी के मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं फ्रूट्स वगैरह खाना। पता नहीं क्यों तो ऐसा लगता है कि ब्रेकफास्ट में हेवी जो भी है जैसे ना वो सब कर लो और ये सब कुछ चीज़ें ड्राई फ्रूट्स हो गए बिल्कुल भी मेरा खाने का मन नहीं करता। बट ये खाना चाहिए हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है।
मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं खाऊंगी, बट मैं खाती नहीं हूँ। और पता है, हम जो हाउस वाइफ होती है ना, हमारे पास इतना सारा काम होता है कि छोटी मोटी चीज़ें करने के लिए ना, खाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। हम सोचते कि इसमें इतना टाइम बैठ कर खाएँगे, इससे अच्छा हमारा काम हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा ही होता है। अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि हम लोग ना टाइम को सेविंग करना चाहते हैं। अभी बस डस्टिंग रह गया, पोछा भी रह गया है। झाड़ू लगाने के बाद मैं डस्टिंग करती हूँ, झाड़ू लगाने से पहले नहीं करती हूँ। क्योंकि झाड़ू लगाने के लिए डस्टिंग करोगे ना, तो फिर से वो डस्ट आपके जो भी आपने क्लीन किया रहता है उस पर है ना, फिर से दिख जाता है। तो यहाँ पर किचन में मैं बहुत प्रेशर देकर मूविंग कर रही, क्योंकि किचन ऐसा पार्ट होता है ना हमारे घर का कि वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। कि खाना बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, जैसे बर्तन भी साफ करेंगे, तो वो चीज़ें ना यहाँ पर गिर जाती है। तो उसको ना बहुत अच्छे से क्लीन करना रहता है। और क्योंकि हम लोग जैसे कि हमारा किचन है, वहाँ पर खाना बनता है, तो बहुत सारे जो चीज़ें होती है, जैसे कि कॉकरोच हो गए, इंसेक्ट हो गए, तो बहुत अट्रैक्ट होते हैं। कोई भी चीज़ें ना गिरी रहती है, और फिर फर्श पर भी चिपकी रहती है ना, तो इसी कारण हमें ना जैसे किचन पर भी बहुत अच्छे से मतलब ध्यान देना चाहिए, और बहुत अच्छे से हमें ना क्लीन करना चाहिए उसे। तो नहा कर आ गई हूँ और यहाँ पर बस मैं रेडी हो रही हूँ। थोड़ी सी लिपस्टिक मैं लगा लूँगी अपने चीक पर, क्योंकि लिपस्टिक लगाने से ना जो मेरे चीक होते हैं हल्के से पिंक पिंक लगते हैं। क्योंकि मैंने सोचा पर कर ही नहीं पा रही, बट अभी ना करूँगी, इन सब चीज़ों से सबसे फुर्सत हो जाऊँगी। और ये देखिए जो गले में है ना, ये देखिए गले में क्या बन गया मेरे यहाँ पर। तो ये है ना, ये वाला जो मंगलसूत्र मैं पहन रही हूँ ना, तो ये इससे हुआ है। इससे रात को ना उतार के सोना चाहिए था, दिन में तो नहीं रहे, रात में ही हो गया। देखिए कैसा रेड रेड जैसे। मैंने वही सोचा, मैंने दिन में देखा कि ऐसा तो नहीं था, ये अब कैसा हो गया। फिर पता चला कि इससे ही हुआ है। तो चलिए अभी तो मैं ये जो है ना, ये वाला मंगलसूत्र पहन लेती हूँ। अगर आपके पास इस टाइप का होगा ना, मेरी फ्रेंड के पास से शायद मैंने देखा था फोटो में, तो है ना इस टाइप का होगा, तो आप है निकाल के सोना रात को। वैसे भी निकाल के सोना चाहिए, बट मेरा ध्यान नहीं था। आज ब्रेकफास्ट में कुछ हेवी नहीं किया था, इसी कारण मैं आज लंच में हेवी बनाऊंगी। हेवी मीन्स कि मैं मंगोड़े बनाने वाली हूँ, कड़ी बनाऊंगी, सब्जी, रोटी और चावल। पूड़ी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पूड़ी अच्छी नहीं लगती है, और पूड़ी मुझे भी अच्छी नहीं लगती। क्योंकि जब मैं बनाती हूँ ना, तो ऑयल की स्मेल से ना मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं करता। मेरा जो मन है वो बनाते ही भर जाता। करो एक बार, करो फिर से, किसे करती हूँ, करो एक बार, कर लो बेटू। कैसे कर ली थी इशू, बताओ बताओ बताओ, कोलो कोलो नौटंकी, ए नौटंकी। ये देखिए मुझे ना साफ करना, आज मैं साफ करूंगी। देख कितना सारा धूल मिट्टी यार। और पता है इशू ने क्या कर दिया, ये देखिए इशू ने ना यहाँ पर, मैं किचन में पेन पता नहीं कहाँ से मिली, ये देखिए यहाँ पर पेन पूरा चला के रखा है। ये देखिए ये कलर भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा भी कैसे मिटेगा। तो चलिए मंगोड़े बनाते हैं। मंगोड़े बनाने के लिए जो दाल आती है छिलके वाली, तो उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। मैंने 4 से 5 घंटे दाल को पानी में रखा था सोक होने के लिए। और इस पर डाल दूँगी मैं लहसुन। लहसुन में डालूँगी 10 से 15, और 3 से 4 में डालूँगी हरी मिर्च। और इसमें मतलब जितनी भी चीज़ें होती है ना, मैं इसमें ऐड कर दूँगी। हो गया जैसे कि हो गया अदरक, हो गया अदरक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा जीरा ऐड कर दूँगी, और अजवाइन है तो अजवाइन भी ऐड कर दूँगी। मेरे पास नहीं है, इसी कारण मैं इसमें ऐड नहीं करती। और थोड़ी सी सौंफ टेस्ट के लिए ऐड कर दूँगी, और हल्दी। अगर आप रेड मिर्च पाउडर ऐड करते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, बट मैं नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं हरी मिर्च का ही बनाने वाली हूँ। और इसमें मैं नमक भी ऐड कर दूँगी। ये सब कुछ ऐड करने से क्या होता है, यह होता है कि जो मेरा हाथ है ना, अगर मिर्च वाली चीज़ों में मैं अपने हाथ से मिक्स करती हूँ, तो मेरे हाथ में ना जलन सी होती है, बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है, मुझे ये प्रॉब्लम है हो जाता है। और ये प्याज और कड़ी पत्ता रखा हुआ है, जो कि मैं इसको है ना जब ग्राइंड करूँगी और उसका इसमें मिक्स करूँगी, क्योंकि इसके ना हमें ग्राइंड नहीं करना है, प्याज को अच्छा नहीं लगेगा, बस इन सब चीज़ों को ही करना है। तो चलिए मैं ग्राइंड कर दी।
पर ये है, अगर आप मिक्सर में जैसे कि ग्राइंड करेंगे ना, तो इसका जो टेस्ट होता है ना उतना अच्छा नहीं आता है जितना कि हम लोग पत्थर पर पीस कर बनाते हैं। बट आजकल हमारे पास पत्थर कहाँ है, जैसे गांव जाओ, घर जाओ, मायके जाओ, ससुराल जाओ, तो वहाँ पर मिल जाता है, और मिल भी जाता है तो बट सबके घर में मिक्सर हो चुकी है तो बिल्कुल हाथ वाले जो मंगोड़े होते हैं इतने टेस्टी लगते हैं, वो आजकल नहीं मिलते हैं। इसको क्या करूँगी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में रखने से क्या होता है, जो गीला हो गया है ना वो थोड़ा टाइट हो जाएगा। निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से मतलब टाइट हो जाए। बना लूँगी मंगोड़े, तो थोड़ा सा जो बेटर है वो हल्का सूखने पानी ज़्यादा हो गया था, तो इसी कारण मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। जैसे कि अगर आपका भी बेटर कभी गीला हो जाए तो आप इसको है ना थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखिए ताकि ये टाइट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर मैं मंगोड़े बना रही हूँ, और जो यूज़ किया गया वाला ऑयल है वही मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि एक बार यूज़ करने के बाद दूसरे यूज़ के लिए नहीं रहता। वैसे मैं तो यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि इतना ऑयल फेंक नहीं सकते, मतलब बहुत सारे जो लोग होते हैं वो फेंक देते, बट मैं फेंकती नहीं, इसको छान के रख देती हूँ। और जो तलने की चीज़ें, ये देखिए हमारा खाना बन चुका है। ये सब्जी रखी हुई है और चावल, और इसमें बनी है रोटी। रोटी देखिए पिघल जाएगा ये, इसके कारण मैंने यहाँ पर ला के रखा है। और ये बन चुके हमारे मंगोड़े, ये देखिए मंगोड़े, और ये कड़ाई रखी है, और यहाँ पर बनी है कड़ी। तो चलिए मैं कड़ी को गर्म कर लेती हूँ क्योंकि भूख लगी बहुत जोर से, हस्बैंड भी आ गए क्लब से। हाय, वो क्यों निकाला, क्या लगाया ईशु ने, लगा दो ईशु को। हाँ। अच्छा लग रहा है, रुको, ईशु को अच्छा लगता है। वाह, इशु कूट लग रही है, इशु कूट, फोटो निकालना है इशु की, फोटो निकालना है, क्या धूला है ना, नहीं नहीं। तो ये रेडी है आज हमारे लंच की थाली, आप लोग भी आ जाइए लंच करने के लिए, और आप लोग भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ। स्वागत है हमारी मैडम के चैनल पे, मेरे चैनल पे। मैडम है हमारी, तो आइए इवनिंग की चाय पीने के लिए हमारे साथ में, चाय पियेंगे सब मिलके। हाँ मैडम हमारी अच्छी चाय बनाती है, कभी आप हमारे घर आइए हम आपको चाय पिलाएंगे अच्छी। और कैसे हैं आप लोग सब, आप कमेंट करके बताइए, और आपको चैनल में क्या क्या और चाहिए, क्या क्या नए नए हम उसमें ऐड कर सकते हैं वो भी बताइए, तो हम लोग उसमें ऐड करते चले जाएंगे, और आपका प्यार हमें मिलता रहे, बस यही हम लोगों की मतलब इच्छा है। अभी जीने दे यार, क्या करोगे जी के, कुछ दिन तक जीने दे भैया, अभी तो मैंने जवानी नहीं दी। अच्छा बूढ़े हो गए तो कुछ बाल इतने पके हैं, बच्चे ही हूँ अभी, बच्चे हो क्या, जवान तो हो जान दो, बूढ़ा हो जान दो, फिर उसके बाद मार रहा हूँ। अच्छा दूसरे से शादी करने का इरादा तो नहीं है आपका, लगी हो रहे क्या, इससे तो तूफान तो जो जिंदगी में आया है तो ऊपर नहीं पा रहा है। तूफान मतलब ये तूफान हो गया, हर आदमी की पत्नी जो होती है उसकी तूफानी होती है। तो हस्बैंड जी जा रहे ड्यूटी, ये देखिए, तो अभी इवनिंग टी हो गए हमारे क्योंकि ड्यूटी पर जा रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि चलो अभी जिस टाइम जाते हैं ना उस टाइम मैं चाय बना लेती हूँ। और अभी नल आ गया तो मुझे पौधों को ना पानी देना है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बाहर ये घूमते हुए ब्लॉग को एंड कर लेती हूँ। और पता है मैंने मॉर्निंग से चालू किया था, मॉर्निंग से लेकर अभी इवनिंग तक सच में बहुत मेहनत की मैंने, तो प्लीज़ इस ब्लॉग को ना थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। तो चलिए अभी मुझे और भी काम इशूस हो रही है, इशू उठ जाएगी ना तो पानी से खेलेगी, तो चलिए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।